बेटा, उस दिन के बाद तुम रीता से मिलने आई नहीं। रीता भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने समीर को भी तो कहा था कि तुम्हें घर ले आए। सैम ने तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ माँ, हेच अपनी कैफे की प्रॉब्लम्स में इतनी प्रीऑक्यूपाइड थी, इसीलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। अ कम ऑन सैम, कैफे की प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या घर की? एनीवेज आंटी, आप सैम के भरोसे पे मत रहिएगा। इनफैक्ट मैं आपके फोन में मेरा नंबर स्टोर कर देती हूँ। ये लीजिए, अब आप जब चाहे विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कभी भी फोन करके बुला लिया करिए। काम और कैफे तो चलता रहेगा, लेकिन काम से ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं। बहुत अच्छे, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। श्री भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम दोनों बच्चियां हमारे परिवार के लिए वरदान बनकर आई हो। जैसे उस दिन तुमने रीता को सदमे से बाहर निकाल के उसे जीवन का महत्व समझाया। लेकिन आंटी, श्री काउंसलर है, उसे रीता भाभी को सही एडवाइस देनी चाहिए। वो क्यों नहीं समझाती रीता भाभी को कि बच्चों को उनके पापा से दूर रखना उनका कोई राइट नहीं है? बेटा, श्री का कहना है कि रीता का दिल इस वक्त टूटा हुआ है, वो कुछ भी सोचने या समझने के हालात में नहीं है। और वैसे भी निरंजन खुद जिम्मेदार है इस हालात का। बेटा, तुम दोनों बात करो, मुझे पूजा की तैयारी करनी है। क्या हुआ? सैम, मुझे उस श्री पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो रीता भाभी को क्यों नहीं समझाती कि बच्चे निरंजन भाई को कितना मिस करते हैं? It's not fair to them. इतना helpless feel कर रहे होंगे बीजल पला। I can understand. अपने पापा को मिस करके अंदर ही अंदर घुटते रहना क्या होता है, मुझसे अच्छा और कौन समझेगा? सैम, अब मुझे चलना होगा। I know, कैफे जाना है ना, मैं भी चलता हूँ। मैं कैफे नहीं जा रही। So, you don't need to come. Hates, लेकिन इतने गुस्से में तू जा कहाँ आ रही है? किसी के कॉन्शियंस को जगाने का वक्त आ गया है। अगर आप कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दीजिए। रीता, मैं बच्चों को उनसे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ इस बात से डर गया था कि मेरे बच्चे गेट के बाहर निकल गए थे, इसलिए मैंने इन्हें स्कूल से पिक किया ताकि मैं इन्हें बैठ के प्यार से समझा सकूं। एक बार किसी पराए इंसान पर मैं विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन दीदी पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ हाँ परिणीता, मैं इनसे बात जरूर करूंगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। कब से मुंह लटका के बैठे हैं आप? भूल जाइए ना उन सब बातों को। कैसे भूल जाऊंगा गायत्री, ये जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। और मुझे तो माँ के एटीट्यूड को देखकर अचंबा हो रहा है। रीता का समझ में आता है, वो इस वक्त गुस्से में है, पर माँ माँ का तो फर्ज बनता है कि वो रीता को समझाए, पर वो तो उसे हर मनमानी करने दे रही है। उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई थी। अगर बापूजी घर में होते ना तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते। ठीक कहा आपने। हेट्स, आर यू ओके? आई एम गुड।
राहुल हाय शैल वी स्टार्ट द मीटिंग यस एक काम करते हैं मेरे केबिन में चलकर आराम से बात करते हैं श्योर प्राची तुम अर्पित और रिया को लेकर केबिन में आ जाओ कम प्राची जस्ट कीप माय बैग क्या कर रहा है इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना हाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग है पर कैफे की मीटिंग है तेरा यहाँ क्या काम है तू अपने स्टूडियो में जाके काम करना हाँ सैम तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो गो एंड फोकस ऑन योर फोटोग्राफी मैंने डेकोरेशन का सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था तो तू कैफे जा मैं स्टोर रूम जाके आती हूँ कूल अर्पित और रिया भी अंदर है उन्हें भी साथ में लेकर आना कैफे का डेकोरेशन जल्दी स्टार्ट कर चल सी यू प्राची ये लाइट्स क्यों ऑफ है लाइट्स ऑन कर करती हूँ और बाकी स्टाफ मेंबर्स को भी बुला लाती हूँ उनका ये डेकोरेशन देखना भी बहुत जरूरी है कैफे क्लोज करने का टाइम हो गया है सो इट्स बेटर कि हम कल की प्लानिंग कर लें वन मिनट वो हमारी फ्रेंडशिप वाली नोकझोंक में मैं एक इंपॉर्टेंट कन्फेशन करना भूल गया लिसन इट्स आई एम इन लव